गुरु नानक पातशाह, धन गुरु नानक पातशाह, उनके समझाने का कमाल का ढंग होता था। वो समझा रहे हैं श्रवण कीजिए। कहते हैं, अगर किसी जानवर का खून किसी के कपड़ों को लग जाए, ध्यान दीजिए, समझो बकरे का खून किसी के कपड़ों को लग जाए, अगर अमीर आदमी होगा तो वो कपड़ा फेंक ही देगा, गरीब होगा तो धुलाएगा कि अब यह अपवित्र हो गया है, पवित्र हो जाए। गुरु नानक पातशाह हैरान होते हैं, कहते हैं हैरानी की बात है, कपड़े को खून लग गया, कपड़ा धोने के लिए दे देते हैं कि अपवित्र हो गया, उसी जानवर को मार कर मांस रहे उसका खून पीते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। शर्मिंद कीजिए, अंग 201 गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं, जे रति लगे कपड़े जामा हो पलीत, जे रत पीवे मानसा जे रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। कपड़ों को खून लग जाए तो कपड़े मैले, जानवर का खून अंदर चला गया तो आत्मा मैली, मन मैला। जहां अन्न तेहा मन, जहां आहार तेहा विहार, ये साइंस प्रूव कर चुकी है। जैसा हम भोजन खाते हैं वैसे हमारे विचार हो जाते हैं शरीर को। एक आदमी के साथ मेरी बहस हो गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जब दास की ये सीडी रिलीज हुई थी ना, तकरीबन 2-2.5 साल पहले, साथ संगत जी मेरे कई दुश्मन बन गए थे, क्योंकि सच बोलना तो मुश्किल है ही, सुनना कई गुना ज्यादा मुश्किल है। कहने लगे, किसी ने आज तक इस टॉपिक पे कथा नहीं कही, तुम बड़े संत आए हो इस टॉपिक पे कथा करने वाले, कुछ और नहीं मिला तुमको? बहुत सारे फोन आए, धमकियां आई, कई कुछ हुआ। साथ संगत गुरु ने हाथ देख के बचाया, कृपा की गुरु ने। एक आदमी कहने लगा, शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी किसी भी चीज से मिले, एनर्जी मिलनी चाहिए, बात खत्म। पर महापुरुषों ने सोची बख्शी थी। मैंने जवाब दिया कि आपको पता है एनर्जी भी दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। अगर सब्जी फल फ्रूट खाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। जिस जानवर को कत्ल करके खाएंगे, साइंस ये प्रूव कर चुकी है, जब जानवर को बांध कर, हाथ पैर बांध कर काटने के लिए लाया जाता है ना, तो उसके अंदर बेचारगी, हीनता, डर, ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं कि उसके अंदर एक केमिकल पैदा होता है, एक द्रव्य पैदा होता है, जो मांस खाने वाले के अंदर भी चला जाता है। पर वो लोग भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, डर, हमेशा डरे रहते हैं। देखने में कितने भी ताकतवर हों, अंदर से अति का डरपोक होते हैं, किसी न किसी बात का उन्हें डर ही लगा रहता है। साइंस प्रूव कर चुकी है इस बात। हैरानी की बात है, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि एक थाल में एक आदमी भोजन छक रहा हो, खाना खा रहा हो, अब उस खाने को एक बकरा उसे जूठा कर जाए, समझिए एक आदमी खाना खा रहा है, बकरा आके उस थाल में मुंह मार जाए, तो वो आदमी उस थाल में से फिर से भोजन खाएगा? कभी भी नहीं खाएगा, भोजन जूठा हो गया। पाछा कहते हैं, हैरानी की बात है, उसी बकरे को मार कर अपने मुंह में कैसे डाल लेते हैं और फिर अपने आप को सुच्चा समझते हैं, तब तू जूठा नहीं हो गया, उसकी जबान लगी खाने को, तूने खाना फेंक दिया, अब उसकी जबान ही खा रहा है और तू जूठा नहीं हो गया।